नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। बहुत बढ़िया न्यूज आपके लिए है। बिल्कुल जी, जो कबड्डी प्रेमी हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना, बिल्कुल जी ये प्रो कबड्डी उसमें आ सकता है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी किसका इंतजार कर रहे हैं? आप ये ग्रुप डी का ये बैच विश्वास बैच वेटिकन ऐप से आप अभी ले लीजिएगा, केवल 1199 रुपीज में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथ में इसको इसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में भाई? मैं बात कर रहा हूं प्रो कबड्डी लीग की बात हम करेंगे। और प्रो कबड्डी लीग की बात करेंगे तो इसमें ये इसका नौवां सीजन है। ये इसका नौवां सीजन अभी हाल ही में जो है संपन्न हुआ है। और ये संपन्न हुआ कि जब हम बात करेंगे तो ये कब संपन्न हुआ ये बात करते हैं, तो ये 17 दिसंबर को ये संपन्न हुआ। ठीक है, 17 दिसंबर को ये संपन्न हुआ। और ये नौवां सीजन जीता कौन? बिल्कुल जी, जयपुर पिंक पैंथर। कौन जीता? जयपुर पिंक पैंथर की जब हम बात करेंगे तो इसके द्वारा इसको जीता गया है। जयपुर पिंक पैंथर की बात करूंगा तो ये इसने सेकंड टाइम जीता है। अरे कोई पूछे कि जयपुर पिंक पैंथर जो है ये प्रो कबड्डी लीग की जब हम बात करेंगे तो प्रो कबड्डी लीग की जब हम बात करें तो ये प्रो कबड्डी लीग कितनी बार, मतलब ये नौवां सीजन कितनी बार जीता, मतलब नौवां सीजन की बात करेंगे तो नौवें सीजन में आज तक 9 सीजन हुए, उसमें दूसरी बार। इसका मतलब कोई पूछ ले बात कि पहली बार कब जीता? पहला ही सीजन जीता था। फर्स्ट जो सीजन था वो यही जीते थे यू मुंबा को हरा करके। यू मुंबा को हरा करके पहला सीजन भी जयपुर पिंक पैंथर ने जीता था। और अब नौवां सीजन में किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। किसको हराया भाई? पुनेरी पल्टन को हराया है। किसको हराया? पुनेरी पल्टन की जब हम बात करेंगे तो उसको हराया है। कितने पॉइंट से? 33-29 पॉइंट से इसको हराया है। याद रखना बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं इस नौवें सीजन की बात करता हूं तो इस नौवें सीजन में कितनी टीमों ने भाग लिया? इसमें 12 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनी टीमें? 12 टीमें। स्टार्टिंग में 8 टीमें भाग ले रही थी लेकिन वर्तमान में 12 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और इसमें पुनेरी पल्टन की जब हम बात करेंगे तो उसको इन्होंने हराने का काम किया है। यदि मैं इसके स्पॉन्सर की बात करता हूं, इसमें स्पॉन्सर की भूमिका कौन निभा रहा था कि वर्तमान में इसके स्पॉन्सर कौन है? अरे मैं कह रहा हूं 2017 से लेकर के 19 तक कौन था? वीवो था। ठीक है, फिर दोबारा जो हुआ स्पॉन्सरशिप के लिए बिड हुई तो उसमें भी 2021 से लेकर के 2025 तक कौन है स्पॉन्सर, वो भी किसका नाम आता है? वो भी वीवो है। तो वर्तमान में प्रो कबड्डी लीग का जो स्पॉन्सर है 2025 तक वो किसको बोलेंगे हमें, उसकी जब हम बात करेंगे तो वो किसका नाम आएगा? बिल्कुल जी वीवो का नाम आप लेते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो आप अर्जुन देसवाल का नाम लेते हैं। अर्जुन देसवाल जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट अचीव करने वाला जो खिलाड़ी की आपसे कोई पूछे तो वो किससे संबंध माना जाता है? उसका संबंध जयपुर पिंक पैंथर से ही है। इसकी कप्तान की भूमिका कौन निभा रहा था? इसकी कप्तान की भूमिका निभा रहे थे सुनील कुमार। ठीक है, याद रखना। अरे भाई इसके मालिक कौन है? इसके मालिक की बात करेंगे तो ये जो आपने नाम सुना होगा अभिषेक बच्चन का, तो अभिषेक बच्चन जो है वो इसके जो एक तरीके से ओनर थे इस टीम के, किसके? जयपुर पिंक पैंथर का। तो ये न्यूज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ऐसे ऐसी न्यूज प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।